नमस्कार, न्यूज़ मार्केट एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर न्यूज़ मार्केट लिख देना। तो ये शुरुआत में ही NM लिखा हुआ जो एप्लीकेशन दिख रहा है इसको क्लिक करना है। अगर इस तरह से नहीं दिखाई देता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दी जाएगी। अब ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक ध्यान देकर देखना है तो ये एप्लीकेशन यूज़ करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मेरे मोबाइल में यह एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। आपने जो है इसको डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद में इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। अभी ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस आपको दिखाई देगा। तो शुरुआत में ये एप्लीकेशन में एक बार ही रजिस्टर करना है, बार बार रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरह का फॉर्म आएगा। तो इसमें पहले अकाउंट टाइप है तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको ये अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट्स दिखाई देंगे। तो इसमें से जो शुरुआत का अकाउंट है डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और तालुका रिपोर्टर, ये जो दो अकाउंट है ये न्यूज़ मार्केट एजेंसी की तरफ से नियुक्त पत्रकारों के लिए है। इसके बाद जर्नलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट है इसमें रजिस्टर हो सकता है। सिटीज़न या कॉमन मैन के लिए भी यहाँ पे रजिस्टर होया जा सकता है। उसके बाद प्रेस रिलीजर जो है इसमें रजिस्टर होती है। तो अभी रजिस्टर किस तरह से करना है वो एक एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चुन लेता हूँ। अभी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चुनने के बाद अभी यहाँ पे नीचे नाम लिखना है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अभी इसके नीचे हमें स्टेट जो है मेरा महाराष्ट्र है तो मैं महाराष्ट्र लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा जैसे सांगली है तो सांगली लिख दिया। अभी जैसे तालुका अटपाड़ी है, अटपाड़ी लिख दिया। अभी जैसे मेरा गांव शेटफले है शेटफले लिख दिया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आगे ईमेल लिखना है। जैसे मेरा ये मेरा ईमेल है, मैंने ईमेल लिख दिया। इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है तो जैसे मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। अभी पासवर्ड, अभी पासवर्ड जो है ये ऐप के लिए पासवर्ड है जो इस ऐप को ओपन करना और बंद करके रखने के लिए। तो इसमें पासवर्ड जो है कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 12 आंकड़ों के बीच का पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं आप मेरे हिसाब से पासवर्ड इसमें लिख देता हूँ। अभी इसके नीचे कंफर्म पासवर्ड, तो जो ऊपर पासवर्ड लिखा है वही सेम पासवर्ड लिखना है। अभी ये पासवर्ड हो गया। इसके नीचे है चैनल आईडी। अभी ये चैनल आईडी में जो भी हमें चैनल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो या अखबार के साथ तो उसका यहाँ पे नाम लिख दो। अभी इसके बाद नीचे है न्यूज़ चैनल। अब ये न्यूज़ चैनल को क्लिक करने के बाद इसमें ये जो इस तरह का एक लिस्ट दिखाई देगा तो ये वो लिस्ट है जो ऑलरेडी न्यूज़ मार्केट के ऐप में रजिस्टर्ड चैनल है जो न्यूज़ मार्केट पर अपलोड होने वाली हर खबर इनको दिखाई देती है और ये जो है वह खबर डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक के ऊपर हमने क्लिक करना है। अभी एक क्लिक करने के बाद हम रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने के बाद इस तरह का सरफेस दिखाई देगा। इसमें आप लिखा हुआ है कि 48 घंटे के बाद एडमिन जो है वेरीफाई करके एक्सेस दे देगा। तो अपन गॉट इट पे क्लिक करके यह ऐप से बाहर निकल जाना है। अब ये रजिस्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
अभी जैसे आपका रजिस्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जैसे एडमिन जो है उनके पास आपका पूरा डिटेल चला जाता है। तो अभी वो डिटेल किस तरह से चला जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एडमिन का ऐप है तो वहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे जो मैंने नाम वगैरह डाला था वो आ गया मेरा, और यहाँ पे मेरा स्टेटस जो दिखा रहा है पेंडिंग दिखा रहा है। तो अभी एडमिन जो है इसको ओपन करके देखेगा और इस तरह की जो आपने जानकारी भरी है वो एडमिन को दिखाई देगी। अभी यहाँ पर एडमिन जो है वेरीफाई करके अगर आपको एक्सेस देना चाहता है तो इसमें से एक्सेस दे देगा, तो आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी एडमिन की तरफ से एक्सेस इस अकाउंट को दे दिया गया, तो ये अकाउंट वेरीफाइड हो गया। अभी ये प्रोसेस होने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को न्यूज़ मार्केट के खोलेंगे तो फिर इसमें जो हमने ईमेल आईडी रजिस्टर में डाला था जैसे अशोक, तो इसको डाल देना है। जो हमने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल देना। तो इतना होने के बाद फिर इसको सीधा लॉगिन कर देना। तो लॉगिन कर होने के बाद ये शुरुआत में इस तरह का सरफेस दिखाई देगा। अभी इसमें देखो माय न्यूज़ सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके साइड में तीन लाइन है, तो इन तीन लाइन के ऊपर जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमें इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। उसमें एक तो प्रोफाइल जो है इसके ऊपर जैसे क्लिक कर देते हैं तो हमें इस तरह से हमारे प्रोफाइल की पूरी जानकारी होती है। अगर इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम नीचे जो पेन का बटन है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो अभी जैसे हमें यहाँ पे फोटो लगानी है ऊपर की साइड में, तो जो गोल बना हुआ है उसके बीच में एक छोटा सा गोल है, उसके ऊपर हम जैसे क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ से गैलरी में जाके हम फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं और फोटो सिलेक्ट करके इसमें फोटो भी लगा सकते हैं। और इसके साथ भी इसमें अगर कुछ और चेंजेस है तो हम वो चेंजेस करके उसके बाद में हम पोस्ट कर देंगे तो हमारा जो है अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद में जैसे अबाउट लिखा हुआ है, तो ये ऐप से सम रिलेटेड जो जानकारी है टर्म्स एंड कंडीशन तो यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगी। जैसे हम इसे वापस आते हैं तो माय न्यूज़ के नीचे लिखा हुआ है कस्टमर केयर का नंबर, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे भी सीधा कॉल कर सकते हैं। अभी हम न्यूज़ किस तरह से अपलोड करना है ये अभी ध्यान से देखिए। अभी जो नीचे प्लस का निशान बना हुआ है गोल बिंदी में, तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का सरफेस दिखाई देता है। तो इसमें शुरुआत में हेडलाइन है, तो हेडलाइन में हमने जो एंकर होता है वो लिख देना है। अभी मैं सिर्फ इसमें एंकर कुछ ज़्यादा नहीं लिखता, सिर्फ मैं उसमें टेस्ट लिखता हूँ। स्टोरी में जो पूरी स्टोरी है जितने भी व्यू वगैरह है वो उसके अंदर पूरा लिख देना है। अभी नीचे है प्लेस, तो प्लेस में जहाँ की भी स्टोरी जैसे समझो मुंबई की है तो मुंबई लिख देना। नोट में अगर कोई विशेष नोट है तो लिख देना, लेकिन नोट में बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, एक दो लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है। तो जैसे अगर कुछ नहीं है तो नहीं करके लिखो, लेकिन ये शुरुआत के जो चार कॉलम है हेडलाइन स्टोरी प्लेस और नोट इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अगर इसमें कुछ लिखेंगे खाली छोड़ेंगे तो ऐप में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसके नीचे है लैंग्वेज, अगर हमारी स्टोरी किस लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज को हमने चुनना है। जैसे अगर समझ लो मैं अभी हिंदी चुन रहा हूँ तो यहाँ पे आपको हिंदी दिखाई देगा। अगर ये घटना या स्टोरी जो है जिस डेट की है वो डेट हमको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो है करंट ही डेट और टाइम रहता है, लेकिन अगर समझो कोई स्टोरी पुरानी है या कोई एडवांस में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए ये यहाँ से डेट बदला जा सकता है। नीचे टाइम है, तो टाइम में इस तरह से घड़ी दिखाई देती है, जो घड़ी का शुरुआत में जो दिखाई दिया जो हाईलाइट हो रहा है, जो घंटा हाईलाइट हो रहा है, और उसके बाद में जो है
मिनट है, तो अगर हम हमको जिस भी समय अगर 10 बजे या 10:30 बजे का टाइम लगाना है तो हमको 10 पे जाके छोड़ देना है इस कांटे को। अभी ये आ गया मिनट पे, अभी 10:15 बजे ये करना है तो फिर इसको 15 पे जाके छोड़ देना और ओके कर देना, तो ये टाइम उसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद है कैटेगरी, ये न्यूज़ की कैटेगरी है, तो इसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़, टिकर न्यूज़, इस तरह की अलग अलग कैटेगरी। अभी टिकर न्यूज़ जो है, ये जो टीवी चैनल के नीचे जो स्क्रॉल में जो न्यूज़ चलती है उसको टिकर न्यूज़ कहा जाता है। तो इसमें से जो भी कैटेगरी में हमारी जो न्यूज़ बैठ रही है तो वो कैटेगरी चुन लिया। अभी मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज़ चुन रहा हूँ। अभी हमारे पास जो अटैचमेंट होते हैं, ऑडियो वीडियो या पीडीएफ फाइल होती है, इमेज होती है, तो अगर उसको यहाँ पे हमको अपलोड करना है तो वो अपलोड करने के लिए जो नीचे और एक लाल बिंदी दिख रही है और प्लस का निशान दिख रहा है, इस उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से समझो हमारे पास ऑडियो है तो ऑडियो के सामने जो बिंदी बनी हुई है उस पर हमने क्लिक करना है, विजुअल है तो विजुअल के सामने जो बिंदी बनी है उस पर क्लिक करना है, बाइट है तो बाइट के सामने बिंदी बनी है उस पर क्लिक करना है, इमेज है तो इमेज के सामने की बिंदी पे क्लिक करना है, अगर कोई पीडीएफ है तो हमारे पास तो पीडीएफ के सामने बनी हुई बिंदी पे क्लिक करना है। अभी मैं इमेज के सामने जो बिंदी बनी है उस पर क्लिक करता हूँ, मुझे एक इमेज अपलोड करनी है, तो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें से जो मेरा गैलरी का ये है तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अभी देखो ये गैलरी आ गया। तो इसमें गैलरी से मैं जो हूँ एक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, अभी जैसे मुझे ये नीचे फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ ये, तो ये देखो ये अपलोड होना शुरू हो जाता है। अभी ये देखो लाल लाइन आगे चल रही है, देखो कंप्लीट बता रहा है। जैसे हमें और अटैचमेंट उसमें ऐड करना है तो फिर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर इमेज के सामने की बिंदी पर क्लिक करता हूँ, फिर इसको क्लिक करता हूँ, फिर गैलरी में जाता हूँ, गैलरी में जाने के बाद एल्बम में ये जो मेरा जो यहाँ पे दूसरा इमेज है मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखिए ये अपलोड हो जाएगा अभी कुछ समय बाद, अभी ये कंप्लीट बता रहा है। तो मैं अभी ऊपर एक पोस्ट लिखा हुआ है ऊपर की साइड में, उस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी न्यूज़ जो है पोस्ट हो जाएगी। अब देखिए ये सक्सेसफुल पोस्ट कब मेरा मैसेज आ गया और मेरी ये न्यूज़ है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी इतना होने के बाद ये न्यूज़ जो है सीधा न्यूज़ चैनल के एप्लीकेशन में चली जाती है। अब न्यूज़ चैनल के एप्लीकेशन में ये न्यूज़ किस तरह से दिखाई देती है ये मैं आपको यही से मैं दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये न्यूज़ चैनल का मेरे पास एप्लीकेशन है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल वाला है तो इसमें जो है उस कैटेगरी के हिसाब से अगर न्यूज़ देखना चाहता है तो कैटेगरी के हिसाब से देखता है, नहीं तो ऑल न्यूज़ देखता है तो ऑल न्यूज़ पे जैसे अगर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ आपकी 52 सेकंड पहले की यहाँ पड़ी हुई है जो हमने अभी अभी जो अपलोड की है। अभी जैसे न्यूज़ चैनल को अगर ये न्यूज़ देखनी है तो उसके ऊपर जैसे क्लिक कर देता है तो ये इस तरह से दिखाई देता है। अभी इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि हम आपने जो जानकारी भरी थी वो जानकारी सिर्फ एडमिन के पास ही रहती है, इसके बीच में आपकी पर्सनल जो जानकारी है इसमें कोई जानकारी आगे जाती नहीं है। इसमें आपने जो हेडलाइन में जो लिखा था ये गाढ़े अक्षरों में टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है कि कितने समय के पहले भेजी थी, आपने जो जानकारी भरी थी उसके बीच में से सिर्फ कौन सी स्टेट, अभी देखो इसमें से स्टेट महाराष्ट्र दिख रहा है और डिस्ट्रिक्ट सांगली दिख रहा है, तो ये इतनी जानकारी कौन से स्टेट से और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आ रही है खबर यही जा रही है आगे। उसके बाद में नोट्स में हमने कुछ नहीं लिखा था तो नोट्स में नो आ रहा है, और हमने कैटेगरी चुना था ब्रेकिंग न्यूज़ तो ब्रेकिंग न्यूज़ इसमें दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हमने जो स्टोरी थी स्टोरी में सिर्फ हमने एक ही जगह पे वीओ लिखा था तो उतना ही आ रहा है, हम जो जितना ज़्यादा लिखते हैं तो उसमें वो सब इसके अंदर दिखाई देता है। उसके बाद जो हमने जो टाइम डेट हमने सेट की थी वो डेट यहाँ पे दिखाई देगी, उसके बाद टाइम जो हमने 10:15 बजे का सेट किया था उस टाइम दिख रहा है, प्लेस जो हमने मुंबई लिखा था तो प्लेस दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज हमने हिंदी चुना था तो हिंदी है। तो अगर
यहाँ से चैनल को जो है आपने क्या क्या भेजा है वो देखना है। तो चैनल देखो, जो ऊपर जो फोटो दिखाई दे रहा है तो उस फोटो के ऊपर अगर उंगली रख के अगर हम उसको खिसका देंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है चैनल को। तो अगर चैनल को लगता है कि भाई हम इसको चाहिए तो ऊपर ये एरो का निशान बना हुआ है ऊपर की साइड में, नीचे 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 मुंह करके, तो अगर उसके ऊपर चैनल अगर इसको क्लिक करता है तो चैनल को भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। अभी डाउनलोड इसका स्टार्ट हो गया है, अब ये डाउनलोड हो गया है। ये अभी जैसे चैनल ने डाउनलोड किया तो अभी आप अपना न्यूज़ मार्केट ऐप खोल के देख सकते हैं बार बार। तो उसके अंदर जैसे आपने खोल के देखा तो अभी देख लो, एक एक जगह पे डाउनलोड हुआ तो यहाँ पे डाउनलोड का काउंट दिखाई दे रहा है 1 और 3 मिनट पहले की ये खबर है। अभी इसको हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर जो डाउनलोड जो लिखा हुआ है अगर उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें एक लिस्ट दिखाई देती है, एक तरफ चैनल के नाम दिखाई देते हैं, एक तरफ डाउनलोड काउंट दिखाई देता है। तो जो भी चैनल डाउनलोड करके लेता है तो उसका यहाँ पे नाम दिखाई देता है और उसमें कितनी बार उसने डाउनलोड किया है वो दिखाई देता है। अभी इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि कभी इसमें कुछ एकांधी दिक्कत आ सकती है, तो दिक्कत ये आ सकती है जैसे अभी देखो इसके अंदर हम हेडलाइन में या स्टोरी में प्लेस में या नोट में इस जगह पे जो लिखते हैं हम उस टाइम अगर कोई हम सिंबल उसके अंदर डालते हैं तो स्टोरी आगे नहीं जाती है। हमने जो कीबोर्ड के ऊपर जो अक्षर है वही अक्षर हमने टाइप करने हैं, कोई सिंबल वगैरह कई बार होता है कि व्हाट्सएप पे वगैरह कोई सिंबल वगैरह डालकर स्क्रिप्ट भेजी होती है और वही स्क्रिप्ट हम कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट की हुई जो उसके अंदर सिंबल अगर रहा तो जाता नहीं। दूसरा ये है कि जैसे हम अटैचमेंट कुछ हम उसके अंदर अटैच कर रहे होते हैं तो जैसे अभी मेरा ऊपर की साइड में देखो जो नेट का जो स्पीड है 0.0 है, वैसे मतलब मेरा नेट जो है अभी इस वक्त कट चुका है। तो अगर कट गया है तो जैसे पहले हम ईमेल के करते समय अगर नेट कट हो गया, डिस्कनेक्ट हुआ तो ईमेल फिर वो करप्ट हो जाता था, वैसे ये करप्ट होके वो नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम जिस समय कोई वीडियो या फोटो वगैरह अपलोड कर रहे हैं और हमें ये इस तरह की दिक्कत आ रही है तो हमें स्पीड जो है कम से कम 100 KB के आसपास का अगर स्पीड रहा तो एकदम आराम से ये अपलोड हो जाता है। और हमने इस एप्लीकेशन में अगर कोई दिक्कत आ गई है हमने अनइंस्टॉल किया तो भी दोबारा इंस्टॉल अगर करेंगे तो उस टाइम हमें दोबारा रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही बार जो आपने पहले रजिस्टर किया था वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपने सिर्फ लॉगिन होना है।